चेतन उस तस्वीर को देख चौंकते हुए बोला, आखिर ये तस्वीर इस आदमी ने कैसे क्लिक कर ली? विक्रम को जमीन में गाड़ते हुए वीर सिंह और माही की तस्वीर कोई देख लेता तो गजब हो जाता। अच्छा हुआ ये तस्वीर मेरे ही हाथ लगी, वरना बहुत बड़ा पंगा हो जाता। कहीं ये आदमी रॉकी कोई जासूस तो नहीं था? खैर जो भी हो, अब ये फोटो मेरे पास है और रॉकी भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। वीर सिंह और माही की तस्वीर साइड में रखकर चेतन एक के बाद एक सारी फोटोज को देखने लगता है, जिनमें इस तस्वीर के अलावा हर एक तस्वीर बहुत पुरानी थी। उन्हें देखते हुए चेतन आश्चर्य से बोला, इन तस्वीरों को देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि आज के फूलपुर की है। इनका तो इस गांव से कोई संबंध ही नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसा होना कैसे संभव है? हर तस्वीर जैसे खुद में एक कहानी हो। ये कुआं, ये लड़की, ये औरत और ये खंडहर, आखिर क्या हो सकता है इनका रहस्य? वैसे ये गांव है ही बड़ा अजीब, यहाँ सब कुछ संभव है। चेतन कुछ देर कमरे में यूं ही परेशान होकर टहलता रहा। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में ख्याल आया, रॉकी नाम के उस आदमी का इस गांव में आना, उसका ये अजीब फोटोज क्लिक करना, मेरा उससे टकराना और बाद में उसका मर जाना, क्या ये सब एक इत्तफाक है या ये भी किसी साजिश का ही हिस्सा है? इतने सारे सवाल मेरे सामने हैं जिनका जवाब मुझे ढूंढना ही होगा। खैर रॉकी का सच जो भी हो, पर कलावती की इस फोटो के साथ मुझे बाकी की फोटोज का सच भी पता लगाना होगा। अपने आप से ये कहता हुआ चेतन सारी फोटोज इकट्ठा कर उठ खड़ा हुआ और खुद से बोला, हर दिन मेरी जिंदगी में एक नया खुलासा हो रहा है। इन फोटोज के बारे में छानबीन करने से पहले मुझे वीर सिंह और माही से बात करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि वो अपने पीछे कितना बड़ा सबूत छोड़ आए हैं। ये सोचते हुए चेतन भागकर नीचे पहुंचा, जहां माही कमरे में अपना काम कर रही थी और वीर सिंह भी एक कोने में बैठा अपने हाथ में अखबार लिए उसके पन्ने पलट रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसका ध्यान अखबार में नहीं, कहीं और ही था। सीढ़ियों पर खड़े चेतन की नजर जैसे ही वीर सिंह पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक बार फिर गुस्सा जा गया। वो खुद से बोला, वाह वीर सिंह, क्या मस्त एक्टर हो यार तुम। जितने इमोशनल, लविंग और हेल्पफुल तुम बनते हो ना, एक्चुअली में तुम वो हो ही नहीं। तुम चाहे कितना भी छुपा लो, लेकिन मैं तुम्हारे सच का पता लगा कर रहूंगा। ये सारी बातें सोचते हुए चेतन वीर सिंह को एक टक घूरे जा रहा था। ऐसा करते हुए हॉल से गुजर रही माही की नजर चेतन पर पड़ी और उसने ये भी नोटिस किया कि चेतन वहां खड़ा वीर सिंह को घूर रहा था। तभी उसने चेतन का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए उसे आवाज लगाई, चेतन वहां सीढ़ियों पर क्यों खड़े हो, क्या सोच रहे हो? माही की आवाज से उनका चेतन का ख्याल अचानक टूटा। हाँ हाँ, मैं तो बस वो ये कहते हुए वो अचानक ही एक स्वर में माही से बोला, माही तुम लोग इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकते हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। चेतन के मुंह से ये बात सुन माही शॉक्ड रह गई और अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोली, क्या कहना चाहते हो, बेवकूफी से तुम्हारा मतलब क्या है? ये कहकर माही ने चेतन की ओर घूरते हुए देखा। तभी चेतन ने उन तस्वीरों को माही के पास रखे एक टेबल पर फेंक दिया और वो बिना कुछ कहे माही को देखने लगा। माही ने तुरंत वो फोटो उठाया और फोटो देखते ही वो भी हैरान रह गई और जोर से बोली, ये तो उस रात की तस्वीर है जब मैं और भैया उस विक्रम की लाश को गाड़ने गए थे। तस्वीरों का जिक्र सुनते ही वीर सिंह, जो माही और चेतन से थोड़ा दूर था, उनके पास आ गया और तस्वीरें देखकर हैरान रह गया। इधर माही की बात सुन चेतन गुस्से में बोला, जी हाँ, जब आप दोनों विक्रम की लाश को गाड़ने गए थे, तो मैडम क्या आपको पता ही नहीं चला कि कोई आप दोनों की फोटोज खींच रहा है? इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम दोनों? ये बोलते हुए चेतन के चेहरे पर काफी गुस्सा नजर आ रहा था। माही ने भी चेतन के गुस्से को भांप कर धीरे से कहा, अरे चेतन, पता तो चल गया था कि किसी ने हमारी तस्वीर ली है और वीर भैया तो उसके पीछे भी भागे थे, पर वो आदमी रात के अंधेरे में अचानक ही कहीं गायब हो गया। भैया को बस उसकी परछाई दिखी थी, भैया ने जाकर देखा भी, पर दूर दूर तक उन्हें कोई नजर ही नहीं आया। चेतन का गुस्सा कई बातों के कारण सातवें आसमान पर था और चेतन का मिजाज देखकर साफ नजर आ रहा था कि चेतन फिलहाल माही की दलीलें सुनना ही नहीं चाहता था। वो गुस्से में बोला, माना मैं उस रात होश में नहीं था, लेकिन तुम ये बताओ कि इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझे ये बताना भी जरूरी नहीं समझा, या ये कहूं कि बताना ही नहीं चाहते थे।
ये कहते हुए चेतन के चेहरे पर एक तल्ख भरी मुस्कान उभर आई। चेतन की ये तीखी बात सुनकर माही चेतन की ओर बढ़ी और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हो चेतन? हमने कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया। वो तो पिछले कुछ दिनों में इतना सब कुछ हो गया कि ये बात दिमाग से ही निकल गई। भूल गए हम तुम्हें बताना। तुम ही बताओ, कब बताते और कैसे बताते? चेतन ने माही के इन सवालों के साथ छिपे जवाबों को भी इग्नोर कर दिया और वीर सिंह को घूरते हुए बोला, झूठ कहना, सच छपाना और बहाने बनाना, ये तो कोई तुम दोनों भाई बहन से सीखे। और ये कहकर झल्लाता हुआ चेतन सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगा। चेतन के मन में वीर सिंह को लेकर कड़वाहट बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी कारण से अपने मन के भीतर भर रहा गुस्सा निकाल देना चाहता था। चेतन झल्लाते हुए अपने कमरे के अंदर घुसा ही था कि माही दौड़कर चेतन के पीछे कमरे में आ गई और उसे झिड़कते हुए जोर से बोली, चेतन ये क्या कहकर आए हो तुम भैया से? बोलने से पहले सोचते भी हो? तुम्हें हो क्या गया है चेतन? ये सुनकर चेतन ने गुस्से से माही की ओर देखते हुए कहा, माही तुम्हें क्या लगता है मैं बेवजह गुस्सा कर रहा हूँ? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम पागल हो। तुम्हें सच जानना है ना तो सुनो, मेरा इस गांव में आना कोई इत्तेफाक नहीं है। मुझे एक प्रॉपर प्लान के जरिए यहाँ लाया गया है, कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। ये कहते हुए चेतन के चेहरे पर मायूसी छा गई। तभी माही ने उसे बीच से रोकते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो चेतन? कौन लाया तुम्हें यहाँ? माही की बात सुन चेतन गुस्से में बोला, वो कोई और नहीं है माही, वो है आपके भाई साहब वीर सिंह जी। ये सुनकर माही के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने चौंक कर कहा, ये क्या कह रहे हो चेतन तुम? आखिर वीर भैया ऐसा क्यों करेंगे? वो तो तुम्हें जानते तक नहीं थे इस सब के पहले, और मुझे भी इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। मेरा मन नहीं मानता कि वीर भैया ऐसा कर सकते हैं। वीर भैया तुमसे और मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकते। तभी चेतन माही के करीब आया और गुस्से से बोला, तुम मानो या ना मानो लेकिन यही सच है, यहाँ कुछ इत्तेफाक नहीं था। हाँ, पर इन सब के बीच अगर कुछ सच्चा था तो वो था हमारा प्यार। लेकिन लेकिन अब मुझे उस पर भी शक होता है कि तुम भी। कहते हुए चेतन अचानक रुक गया। उसके शब्द सीधे माही पर इल्जाम लगा रहे थे, जिसे सुन माही आग बबूला हो गई और चेतन पर झल्लाते हुए बोली, एक मिनट, क्या कहा? मतलब तुम मेरे प्यार पर शक कर रहे हो, उसे साजिश बता रहे हो? माही अभी भी गुस्से में चिल्लाए जा रही थी। सच तो ये है चेतन कि आत्माओं से बात करते करते तुम इंसानों से बात करने की तहजीब भूल चुके हो। तुम्हें उस खूनी वधु पर यकीन है लेकिन मुझ पर और मेरे भाई पर नहीं। और अगर ऐसा है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मिस्टर चेतन ध्यान से सुनो मेरी बात, मुझे भी तुम पर कोई भरोसा नहीं है। मैं ये कभी नहीं मान सकती कि तुम्हें यहाँ बुलाना वीर भैया का प्लान है, और अगर तुम सही हो तो साबित करके दिखाओ। चेतन ने बिना कुछ कहे ही अपने मोबाइल में वो फोटो ओपन की जो उसके दोस्त ने भेजी थी। वो फोटो माही को दिखाते हुए बोला, ये देख लो, तुम कह रही थी ना कि तुम्हारा भाई मुझे नहीं जानता, तो फिर मेरे यहाँ आने से पहले वो मेरे ऑफिस में क्या करने गया था? ये मेरे ऑफिस के CCTV से निकाला गया फोटो है। माही अपनी आंखें चढ़ाती हुई बोली, मैं क्यों मानूं? ये फोटो नकली भी तो हो सकती है, या ये भी तो हो सकता है कि भैया को वहां कुछ काम होगा इसलिए वो वहां गए थे। चेतन झल्लाते हुए बोला, ये तस्वीर मेरे आने के ठीक 2 दिन पहले की है माही, और अगर फिर भी तुम्हें तुम्हारे भाई पर इतना यकीन है तो चलो मेरे साथ और मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। ये कहते हुए चेतन ने माही का हाथ पकड़ा और सीधा नीचे लेकर गया। वो दोनों सीढ़ियों के नीचे खड़े थे और चेतन ने माही को चित्रलेखा किताब वाले कमरे की तरफ देखने का इशारा किया। माही ने जैसे ही उस ओर देखा तो उस कमरे की लाइट बंद थी। माही ने चेतन से पूछा, हाँ तो तुम उधर उंगली दिखाकर कहना क्या चाहते हो चेतन? लाइट बंद है उस कमरे की। चेतन ने माही से कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो दोनों कुछ देर वहां खड़े रहे और तभी चित्रलेखा किताब वाले कमरे से वीर सिंह बाहर निकला और अपने कमरे की ओर निकल गया। वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि चेतन और माही उस पर नजर रखे हुए हैं। वीर सिंह को उस कमरे से निकलते देख माही भी थोड़ा चौंक गई और तभी चेतन ने उससे पूछा,
अब मेरे सवालों का जवाब दो। वीर सिंह हर रात इस कमरे में लाइट्स बंद करके अकेले क्यों बैठता है? ऐसा क्या काम होता है उसे जो वो हम सबको नहीं बता सकता? और पहले तो मैंने कभी उसे इस कमरे में इतना जाते हुए नहीं देखा। ये सुनकर माही भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है, लेकिन वो चेतन से कहती है, वीर भैया उस कमरे में क्यों गए थे इसका जवाब उस कमरे में ही होगा। ये कहते हुए वो दोनों चित्रलेखा किताब वाले कमरे में कदम रखते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें सब कुछ सामान्य नजर आता है। माही चेतन पर सवाल दागती है, अब कहो तुम क्या अजीब लग रहा था तुम्हें यहाँ? कोई एक भी चीज तुम्हें ऐसी मिली जिससे तुम्हारा आरोप सिद्ध हो सके? चेतन भी एक पल के लिए खामोश हो जाता है और सोचने लगता है, आखिर वीर सिंह यहाँ क्यों आता है हर रोज? चेतन अपनी सोच में था तो माही उसे घूर कर देख रही थी। चेतन ने तुरंत कहा, देखो माही, मुझे ये तो नहीं पता तुमने मुझसे कभी सच कहा है या नहीं, लेकिन मैंने हमेशा तुम दोनों पर भरोसा किया है। पर अब सच कहूं तो वीर सिंह के अजीब बर्ताव ने भी मुझे उस पर शक करने के लिए मजबूर किया है। और तुम तो जानती हो कि वो किस तरह से बॉक्स को मंदिर में रखने का विरोध कर रहा था, क्या वो अजीब नहीं था? और तुम ही बताओ, जब से ये बॉक्स खुला है वीर सिंह का बर्ताव तुम्हें बदला हुआ नहीं लग रहा क्या? माही के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था। वो बस शांत खड़े चेतन से नजर चुरा रही थी। वो बोली, सच कहूं तो मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। और तुमने बिना किसी ठोस कारण के मेरे प्यार पर जो उंगली उठाई है ना, याद रखना मैं उस बात को कभी नहीं भूलूंगी। ये बोलकर माही पास पड़ी कुर्सी पर जा बैठी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी हवा का एक झोंका आया और चित्रलेखा किताब के कुछ पन्ने उस हवा से पलट गए। अचानक पलटे उन पन्नों पर चेतन की नजर पड़ी। किताब को देखते हुए उसने एक के बाद एक दो तीन पन्ने पलट लिए और माही को अपने पास बुलाने के लिए आवाज लगाई। माही प्लीज मेरी बात सुनो, सुनो यहाँ और ये देखो। माही तेजी से चेतन के पास गई और तभी चेतन बोला, माही ये देखो इन पन्नों पर लिखे नाम तुम्हारे सरनेम से मैच कर रहे हैं क्या? माही चेतन की बात ध्यान से सुन रही थी लेकिन कुछ बोल ही नहीं रही थी। इस पर चेतन ने उसे समझाते हुए कहा, माही प्लीज हम अपनी लड़ाई बाद में लड़ते रहेंगे, पहले यहाँ देखो। तब माही ने एक नजर उन पन्नों पर दौड़ाई और एक एक करके वो तीनों पन्ने देखकर बोली, ये तो कुछ नहीं बस हमारे परिवार का ब्यौरा है। माही की बात सुनकर चेतन बोला, अच्छा मुझे लगा फिर कुछ नया बताना चाहती है चित्रलेखा किताब। ये कहते हुए चेतन वीर सिंह और माही के परिवार की एक एक डिटेल पढ़ने लगा और माही से बोला, ये देखो एक पन्ने पर अरुणोदय सिंह जी का नाम है और उनके बारे में डिटेल भी है। अगले पन्ने पर महेंद्र सिंह जी का नाम है और उनके बारे में भी डिटेल्स है देखो। और उसके अगले पन्ने पर प्रताप सिंह जी के बारे में बताया गया है और अब इसके अगले पन्ने पर। वो ऐसा कहकर जैसे ही पन्ना पलटता है वो ये देखकर चौंक जाता है कि वो पन्ना खाली है और उस पर किसी का नाम नहीं लिखा है। तब चेतन माही से कहता है, माही यहाँ पर वीर सिंह का नाम होना चाहिए ना, देखो यहाँ तुम्हारे पिताजी के बाद कोई नाम ही नहीं है, तुम ही बताओ ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो है जो हम नहीं जानते। माही कुछ कहती इससे पहले ही चेतन ने कहा, चित्रलेखा किताब हमें हमेशा हिंट देती है पर आज तुम खुद ही देख लो, मैं तो बस तुम्हारे वीर भैया पर शक कर रहा था लेकिन इस किताब ने वीर सिंह के अस्तित्व को ही चुनौती दे डाली। आखिर क्या है वीर सिंह का रहस्य जो चित्रलेखा किताब में उसका नाम ही नहीं है और क्यों बुलाया है वीर सिंह ने चेतन को फूलपुर गांव में? जानने के लिए सुने।